हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अर्शना ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 के लिए मैथ के जो है ऑल चैप्टर्स आपके जो है जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है इसको हम देखेंगे। साथ ही इसको हम एक्सप्लेनेशन के साथ ही इसको आप जो है हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर हम समझेंगे, इसके साथ ही उसका आंसर देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का वीडियो। हमारा जो यहाँ पर मैथ का 2012 का ये आपका जो सारा पूछा हुआ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में भी जो है पूछे जाने की इसकी पूरी संभावनाएं हैं, इसीलिए यहाँ पर लाया गया है। जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन आपका जो है डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन उठा कर दे दिया जाता है एग्ज़ाम में, तो इसलिए आप जो हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने को ज़रूर देखें। यहाँ पर हम आज इस वीडियो में आपके जो कुल 10 क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य जो है कौन होगा। तो पहला जो 5 पूर्ण संख्या होता है इसका यहाँ पर आपका माध्य पूछा जा रहा है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में माध्य माध्यिका बहुलक सभी से प्रश्न आते हैं यहाँ पर। तो जब आपको माध्य निकालना होगा तो आपको क्या करना है, 5 जो है पूर्ण संख्याओं को लेना है। जैसा कि आपका पूर्ण संख्या हो जाता है कि प्राकृत संख्या के आगे जो जीरो लगाते हैं वही संख्या हमारी हो जाती है पूर्ण संख्या, तो 5 पूर्ण संख्या को यहाँ पर हम ले लेंगे। तो हमारा जीरो से स्टार्ट हो जाता है, 0 प्लस में आपको लिखना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये देख सकते हैं आपके 5 होगा, 1 2 3 4 5, और बटा में आपको क्या जितने अंक है उतने 5 लिख देना है। तो ये आपको हो गया 4 3 7 2 9 और 1 10, तो 10/5 हुआ, तो आंसर आपका आ गया यहाँ पर 2। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात जो है 4:1 है तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा। यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात आपका यहाँ पर दिया हुआ है रेशियो में और त्रिज्या का अनुपात यहाँ पर पूछ रहा है, तो अनुपात क्या होता है आपको सबसे छोटा रूप जो है बताना रहता है। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 2:1। ओके, क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर जिस लाइक ऐसे आप याद रख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता ही है। तो इस तरह से आपका 2 का ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, अगर एग्जाम में यही एक्यूरेट क्वेश्चन आता है तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर पाएंगे। ओके, ज़्यादा इसको हम अभी डिटेल में लॉन्ग नहीं ले जाएंगे, अभी ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपको बनाना है तो ऐसे आप आसानी से बिना जो है टाइम गवाए बना पाएंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि टैन थीटा इज इक्वल टू √3 है तो थीटा का मान यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही ईजी है, आपको क्या करना है √3 याद करना है कि √3 जो है टैन कितने डिग्री का मान होता है। तो टैन 60 डिग्री का मान हो जाता है आपका √3। तो इस क्वेश्चन को जो है हमने सब्जेक्टिव में भी डाला हुआ है वीडियो बना करके, वहाँ से भी आप देख सकते हैं समझ सकते हैं अच्छी तरह से। तो टैन 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा, जस्ट लाइक 10 10 यहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर 3 का ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कॉस 60 डिग्री प्लस 1 बटा में कॉस 60 डिग्री माइनस 1 इसका मान क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, देखने में आपको क्वेश्चन बड़ा लग रहा होगा, इसको आप सिंपली कॉस 60 डिग्री का मान यहाँ पर रखना है तो जो हो जाता है 1/2 प्लस में यहाँ पर 1 दिया हुआ है, बटा में है आपका कॉस 60 डिग्री माइनस 1, तो इसी प्रकार 1/2 माइनस 1 लिखेंगे, कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है। और जिस प्रकार से आप बटा पक के जोड़ बनाते हैं, बटा पक घटाव बनाते हैं, उसी प्रकार इसको सॉल्व करना है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा आपका, नीचे तो 2 ही रहेगा, ऊपर हो जाएगा 3/2 और बटा में है यहाँ पर आपका ये हो जाएगा माइनस 1 बटा में 2, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3/-1 आपका -3 आंसर आ गया। तो 4 का ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो गया। अगर आपको यहाँ समझ नहीं आया कि कैसे कटा तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर 3/2 था और ये 2 जो है यहाँ पर आपका उल्टा हो जाएगा, अगर इसको ऊपर भेजेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, नीचे -1 आ जाएगा, 2 2 कैंसिल हुआ, बचा आपका 3/-1 जिसको हम -3 सिर्फ लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यदि अल्फ़ा और बीटा जो है बहुपद f(x)(x²+x+1) के मूल हो तो 1/α + 1/β का मान क्या हो जाएगा। तो आपको 1/α + 1/β का यहाँ पर मान पूछा जा रहा है, तो इज इक्वल टू आप क्या कर सकते हैं, 1/α + 1/β इज इक्वल टू आप कर सकते हैं -b/a।
तुम भी कमाने यहाँ पर क्या प्लस वन है, तो माइनस वन बाई वन यहाँ पर करेंगे तो आपको माइनस वन ही आएगा। तो फाइव का ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो सही हो जाएगा, या फिर इसको आप ऐसे बता सकते हैं। ऐसे तो हमने सिंपली बता दिया, लेकिन ये जो है ज़्यादा यहाँ पर कारगर नहीं होगा। जब आपका और हार्ड इक्वेशन अगर दे दिया है तो आपको जैसे बटा पर जोड़ बनाते हैं इसको ऐसे इसको रिलेट करना है। नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा लिखेंगे और ऊपर यहाँ पर अल्फ़ा है तो बीटा और प्लस में अल्फ़ा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता ही है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाता है आपका सी बाई ए। ओके, तो देख सकते हैं ए कैंसिल हो जाएगा और माइनस बी बाई सी होगा। तो वैसे भी माइनस बी यहाँ पर वन है और सी का मान भी प्लस वन है, तो इसी प्रकार यहाँ पर माइनस वन आपका आ जाएगा। तो फॉर्मूला आपका यही है, इसको ऐसे ही करना है आपको छोटा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल और गुणनफल जो है दो और माइनस पंद्रह है, तो बहुपद क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो द्विघात बहुपद पूछा जा रहा है, तो आपको बता दें कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योगफल हो जाता है माइनस बी बाई ए। तो जिसके स्थान पर आपका दिया हुआ है यहाँ पर दो दिया हुआ है, और द्विघात बहुपद यहाँ पर जो है गुणनफल की बात करें तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाता है सी बाई ए, जिसका जगह यहाँ पर आपका माइनस पंद्रह दिया हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर सिक्स का आंसर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फिफ्टीन। सिक्स का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सेवन बिंदु क्यू से किसी वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से क्यू की दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका वृत्त की त्रिज्या पूछा जा रहा है, जो कि स्पर्श रेखा की लंबाई दिया हुआ है और केंद्र से क्यू की दूरी जो है दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा। तो इसके लिए आप हम आप लोग को जो यहाँ पर ट्रिक बताएंगे, इसका आंसर ऐसे जो है सेवन हो जाएगा, जो कि सात चौबीस पच्चीस। यहाँ पर जिस प्रकार से अगर आपका ये जो समकोण त्रिभुज बनता है यहाँ पर निर्माण होता है अगर किसी भी प्रकार, तो अगर किसी यहाँ पर रेखा की लंबाई अगर मान लीजिए 24 है, किसी का 25 है, तो यहाँ पर जो है सात आएगा ही आएगा। इस प्रकार से ही 6 8 10 हो गया आपका, 3 4 5 हो गया। अगर ऐसा अंक आपको दिखे तो डायरेक्ट इसको टिक लगाना है। इसी प्रकार 5 12 13 हो गया और 7 24 25 है, 8 15 17 है। ओके, और ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और बता दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका बिंदु -4.3 की स्थिति जो है किस पाद में है। तो यह जो है माइनस और प्लस जो स्थिति है वो कौन सा क्वाड्रेंट में हो जाएगा आपका, तो ये हो जाता है आपका द्वितीय पाद में, तो एट का बी हमारा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में कौन जो है परिमेय संख्या है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि परिमेय संख्या कौन सी संख्या होता है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन रिपीट हुआ, वही हम बता रहे हैं कि जस्ट एक क्वेश्चन आपको जो उठाकर दे देगा एग्जाम में, इसीलिए बता रहे हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आपका सीरीज चलाया जा रहा है, तो हर एक वीडियो को आप ज़रूर देखिए। तो देख सकते हैं √2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका 2 केवल, जिसे कि आप 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आपका एक हो जाएगा परिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या ये नहीं होगा, 4+√5 भी नहीं होगा और √6 भी नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन जो है बहुपद नहीं है, यानी कि आपको पहचानना है कि कौन जो है बहुपद नहीं है, और इससे हर साल जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो बहुपद का रूप जो आप लोग सभी जानते ही हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर सी है x+1/x, यहाँ पर जो है बहुपद आपका नहीं है, तो 10 का सी जो है यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको हमने जो है मैथ के जो हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी से जो 10 क्वेश्चन यहाँ पर करा दिए हैं, जिसके एग्ज़ाम में यानी कि एकदम संभावना है जस्ट ऐसे ही आते हैं ये क्वेश्चन। तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।